भारत देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दादरा एवं नगर हवेली में भी विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिलवासा के आदिवासी भवन में लुम्बिनी बुद्ध विहार फाउंडेशन द्वारा भारतीय संविधान गौरव दिवस एवं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दादरा एवं नगर हवेली के नवनिर्वाचित महिला सांसद कलाबेन डेलकर एवं शिवसेना प्रदेश प्रमुख अभिनव डेलकर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय संविधान गौरव दिवस के इस कार्यक्रम में दाना जिला पंचायत की अध्यक्षा निशा भावर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष दीपक प्रधान के साथ साथ दाना के वरिष्ठ नेता टीपी चौहान भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान लुम्बिनी बुद्ध विहार फाउंडेशन के अग्रणियों द्वारा भारतीय संविधान के प्रमुख बिंदुओं पर उपस्थित लोगों के बीच प्रकाश डाला गया। साथ ही साथ प्रतिभावान छात्रों को भी इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित मुख्य अतिथियों के हाथों से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सिलवासा के आदिवासी भवन में गणतंत्र दिवस एवं भारतीय संविधान गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसमें दाना की महिला सांसद कलाबेन डेलकर, शिवसेना प्रमुख अभिनव डेलकर, दाना जिला पंचायत अध्यक्ष निशा भावर, उपाध्यक्ष दीपक प्रधान, दाना के वरिष्ठ नेता डॉक्टर टीपी चौहान के साथ साथ लुम्बिनी बुद्ध विहार फाउंडेशन के सभी अधिकारी एवं कार्यकर्ता की उपस्थिति देखी गई। श्रीमती कलाबेन डेलकर जी जो सांसद दादरा नगर हवेली है और प्रमुख मार्गदर्शक के तौर पर मेरे साथ विराजमान मेरे छोटे भाई समाधान हेगड़े पाटिल जी, साथ ही सभी उपस्थित गणमान्य अतिथि एवं लुम्बिनी बुद्ध विहार फाउंडेशन के सभी मेरे इतने दौड़ भाग करके इतना सुंदर आयोजन करने वाले मेरे सभी भाई लोग और आप सभी भारतीय जो खुद को भारतीय बताते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं, उन सभी